नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओएस मॉड्यूल के बारे में। और दोस्तों, अगर आप हैकर रैंक पर कोडिंग करते हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आई होगी, एफपीटीआर इक्वल टू ओपन ओएस डॉट एनवायरन आउटपुट पाथ, और फिर राइट मोड में जो है फाइल को ओपन किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अगर आप फाइल हैंडलिंग पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि ओपन एक फंक्शन होता है जिसमें दो आर्गूमेंट पास कर सकते हैं आप, एक तो फाइल नेम और दूसरा आप उसे किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, रीड मोड, राइट मोड या अपेंड मोड, तो उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि मोड तो सही है, राइट मोड में ओपन किया गया है, बट दोस्तों यहाँ पर देखिए फाइल नेम की जगह जो है ओएस डॉट एनवायरन आउटपुट पास किया गया है। तो दोस्तों, इस एनवायरन फंक्शन का क्या मतलब है और यहाँ पे जो ब्रैकेट में आउटपुट पास दिया गया है ये क्यों दिया गया है, तो ये सब दोस्तों आज हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों चलिए बने रहिए वीडियो में, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमने जो है सुमू नाम की एक फाइल जो है क्रिएट कर रखी है जुपिटर नोटबुक में, और आइए जो है इसे एक बार थोड़ा इसके आउटपुट को क्लियर कर लेते हैं, रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। और अब दोस्तों जो है बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ओएस मॉड्यूल का यूज हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए। दोस्तों, आप कभी पाइथन की आइडियली डाउनलोड किए होंगे और दोस्तों आप उसमें कोडिंग किए होंगे, और अगर आप बाई चांस उसका पाथ नहीं सेट कर पाए हों तो उसमें एक एरर देता है, पाइथन इज नॉट रिकग्नाइज एज ऑपरेबल बैच आर कमांड फाइल। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम कोड लिख करके रन कराते हैं पाइथन आइडियली से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है जो हमारा आइडियली है, और इंटरेक्ट नहीं कर पाता है तो जो आउटपुट है उसे डिस्प्ले नहीं कर पाता है। इस वजह से दोस्तों जो है ये एरर आती है और फिर हमें जो है आउटपुट पाथ जो है पाइथन का जो पाथ है सेट करना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों जो है ओएस मॉड्यूल का भी यूज होता है, ओएस मॉड्यूल का भी यही काम है ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने का। दोस्तों, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं और आप अपने कोडिंग के थ्रू ही ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ओएस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमने ओएस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के लिए इम्पोर्ट ओएस लिखा है। अब आइए आप इसे रन करा दीजिए। अब देखिए ओएस मॉड्यूल हमारा इम्पोर्ट हो चुका है। अब दोस्तों ओएस मॉड्यूल में एक बेहद ही पॉपुलर फंक्शन है ओएस डॉट गेट सीडब्ल्यूडी, इसका यूज करते हैं हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पता लगाने। दोस्तों, इससे आप ये जान सकते हैं कि आप किस वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम इसे एक बार रन कराएं तो ये दे रहा है सी यूजर्स स्वयं राय, यानी कि हम सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर स्वयं राय फोल्डर के अंदर जो है कोडिंग कर रहे हैं। अब आइए जो है इसे एक बार देख भी लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम सी ड्राइव में आए हैं और यूजर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्वयं राय पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो डॉट जुपिटर एक्सटेंशन है, यानी कि जुपिटर नोटबुक जो है उसका सारे एक्सटेंशन वगैरह सब इसी में सेव हैं। और यहाँ पे देखिए जो सोमू नाम की जो फाइल है जिसे हमने सेव किया है वो देखिए इसी फोल्डर में सेव हुई है, सोमू डॉट आई पी वाई एन बी। तो दोस्तों इस तरीके से हम ओ एस मॉड्यूल का यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए। दोस्तों, आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं पड़ी, आप वहीं प्रोग्राम में ही देख लिए सिर्फ एक लाइन लिख करके कि आप किस वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप इस वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप इस डायरेक्टरी में काम करें, आप जो भी अपना कोड वगैरह लिखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि वो दूसरे डायरेक्टरी में हो, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं ओ एस डॉट सी एच डी आई आर लिख करके। ओ एस डॉट सी एच डी आई आर लिखने का मतलब कि आप डायरेक्टरी को चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट, और इसके अंदर जो है आप पास कर दीजिए सी यूजर शिवम राय माई प्रोग्राम, यानी कि जो भी स्ट्रिंग एज ए, यानी कि जिस भी फोल्डर में आप वर्क करना चाहते हैं उससे एज ए स्ट्रिंग पास कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सी यूजर शिवम राय के अंदर एक माई प्रोग्राम नाम का हमने जो है फोल्डर बना रखा था, अब हम जो है इसी में कोडिंग करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर बैकस्लैश माई प्रोग्राम को भी ऐड कर दिया। अब दोस्तों इसे एक बार आइए रन करा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो चेंज हो चुकी है। अब इसका पता लगाने के लिए एक बार आप फिर से यहाँ पे प्रिंट ओ एस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी लिखिए और रन कराइए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो दे रहा है सी यूजर शिवम राय माई प्रोग्राम, यानी कि जो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी थी अब शिवम राय से शिवम राय माई प्रोग्राम पर आ चुकी है। अब दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी कि माई प्रोग्राम फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स वगैरह हैं या कितने फोल्डर्स वगैरह हैं, अगर आप इस बात का चेक करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा लिखना है प्रिंट ओ एस डॉट लिस्ट डी आई आर।
अब इसे आप आइए रन कराइए, रन कराएं, अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रहा है, यानी कि एक भी फाइल या फोल्डर नहीं है। अब इस बात को अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप आइए, सी यूजर शिवम राय, आप यहाँ माई प्रोग्राम फोल्डर पर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पर वाकई कोई फाइल या फोल्डर कुछ भी नहीं है। अब फिर से आइए अपने कोड पे, अब जो है हमें कोई भी फाइल फोल्डर वगैरह नहीं मिला है, इस बात को हम प्रूफ कर चुके हैं। अब बात आती है कि अगर आप कोई फाइल या फोल्डर्स बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर इसे देखिए, यहाँ पर माय प्रोग्राम नाम का फोल्डर्स था जिसे हमने पहले से ही क्रिएट कर रखा था, बट मान लीजिए कि आप ऐसे में चेंज करना चाहते हैं कि आपके पास वो माय प्रोग्राम नाम का फोल्डर है ही नहीं और आप चाहते हैं कि पहले आप माय प्रोग्राम नाम के फोल्डर को बना लें और फिर जो है आप चेंज करें, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपको जिस नाम से फोल्डर बनाना है उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा os.mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी। अब इसे जो है आप एक बार रन कराइए, आप यहाँ पे रन करा दिए, अब जो है आपकी डायरेक्टरी बन चुकी है। आप इसको आइए यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर आप आइए देखिए माय प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं था, अब यहाँ पर देखिए कोड स्टडी बन चुका है। अब मान लीजिए कि आपने कोड स्टडी को बना दिया, अब आप चाहते हैं कि एक बार फिर से डायरेक्टरी की लिस्ट आप यहाँ पे, आप वहाँ पे जाकर नहीं चेक करना चाहते हैं, आप यहीं से चेक करना चाहते हैं, तो आप एक बार फिर प्रिंट os.listdir को रन कराइए और आप देख लेंगे कि हाँ कोड स्टडी नाम का एक जो है पहले कुछ भी नहीं था, हमारे माई प्रोग्राम के अंदर कोई फोल्डर या फाइल नहीं थी, अब यहाँ पर कोड स्टडी नाम का एक फोल्डर दिखा रहा है। अब बात आती है कि अगर आपने फोल्डर बना दिया और आप चाहते हैं कि नहीं नहीं ये फोल्डर तो हमें नहीं बनाना, तो आप इसे जो है तो आप जो है इसे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको लिखना है os.rmdir, अब इसे आप जो है एक बार रन कराइए, अब देखिए जो है कोड स्टडी नाम से हमने जो भी फोल्डर बनाया था वो डिलीट हो चुका है। इसे आप यहाँ पर आकर के देख लीजिए, कोड स्टडी नाम का जो भी फोल्डर बना था वो डिलीट हो चुका है। अब दोस्तों हमने फाइल्स बना लिया, हमने दोस्तों क्या किया, हमने वर्किंग डायरेक्टरी का पता लगा लिया, हमने उसे चेंज भी कर लिया, हमने फोल्डर्स बनाया उसे डिलीट भी कर लिया। अब बात आती है कि अगर आप एक साथ फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ एक फोल्डर नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन जाए, जैसे मान लीजिए कि आप एक माई प्रोग्राम के अंदर आप एक जय नाम का फोल्डर बनाना चाहते हैं और फिर आप चाहते हैं कि उस जय फोल्डर के अंदर एक हिंद नाम का फोल्डर बन जाए, तो इसे आपको लिखना पड़ेगा os.mkdir, यानी कि हमें एक फोल्डर नहीं बनाना है, हमें बहुत सारे फोल्डर बनाना है। पहले हम क्या लिखते थे os.mkdir, बट यहाँ पर लिखना है मेक डायरेक्ट्रीज mkdir। अब इसे आप एक बार रन कीजिए, क्योंकि आप दोस्तों यहाँ पर देख चुके थे कोड स्टडी का हमने फोल्डर बनाया था उसे डिलीट कर दिया था, अब हमने जो है हमारे पास एक भी फाइल या फोल्डर नहीं था हमारे माई प्रोग्राम में। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप आके देखेंगे तो आपको जय नाम का फोल्डर मिलेगा और आप इस जय फोल्डर के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको हिंद नाम का भी फोल्डर मिलेगा, यानी कि जय और हिंद दोनों फोल्डर आपके बन चुके हैं। तो दोस्तों आइए अब अगर मान लीजिए कि आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, जय या हिंद, जय हिंद जो आपने फोल्डर बनाया पहले, अगर आप मान लीजिए कि यहीं पर चेक करना चाहते हैं कि जय हिंद नाम का जो फोल्डर आपने बनाया था वो बना है कि नहीं, तो आप इसे रन कराइए और यहाँ पर देखिए जय नाम का फोल्डर बना है, क्योंकि हिंद का लिस्ट इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हिंद तो जय के अंदर बना है। हम क्या चेक कर रहे हैं, हम अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के फोल्डर चेक कर रहे हैं, तो हमने प्रिंट os.listdir लिखा तो जय नाम का जो फोल्डर बना था उसे एज आउटपुट यहाँ पे उसने रिटर्न कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि जय हिंद जो दोनों फोल्डर बना था वो एक साथ डिलीट हो जाए, तो आपको लिखना होगा os.removeDirectories, पहले हम क्या लिखते थे rmdir, यहाँ पर देखिए os.rmdir हमने लिखा rmdir और हमने कोड स्टडी को रिमूव कर दिया, बट यहाँ पे रिमूव करने के लिए डिलीट करने के लिए आपको os.removeDirectories लिखना पड़ेगा removeDirs। अब इसे आप एक बार जो है रन कराइए और देखिए हमारी डायरेक्टरीज जो है रिमूव हो चुकी है, यहाँ पर आकर के आप देख लीजिए अब आपको जय नाम का कोई फोल्डर नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि अगर आप कोई फोल्डर बनाए हैं और आप उसे रीनेम करना चाहते हैं, आप उसका नेम जो है चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हमने कोड स्टडी नाम का फोल्डर बनाया था बट उसे अभी डिलीट कर दिया है, तो एक बार इसे जो है हम फिर से जो है बना लेते हैं, कहाँ गया os.mkdir, इसे एक बार जो है हम बना लेते हैं, रन करा देते हैं। अब देखिए जो है हमारा कोड स्टडी नाम का फोल्डर बन चुका है, अब इसे इसका नाम जो है हम चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पहले आप इसे देखिए प्रिंट os.listdir रन कीजिए आपको क्या आ रहा है,
कोड स्टडी आ रहा है, बट अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं कोड स्टडी का, आप इसे जो है रीनेम कीजिए, ओएस डॉट रीनेम, आप जिस फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हैं उसका नाम जो है यहाँ पे दीजिए, और फिर आप उसका नाम क्या देना चाहते हैं वो दूसरे स्ट्रिंग में पास कर दीजिए। अब जो है आप इसे रन कराइए, अब फिर इसे दोबारा रन कीजिए, और देखिए यहाँ पर जो कोड स्टडी था ओएस मॉड्यूल में चेंज हो गया, यानी कि कोड स्टडी जो हमने नाम दिया था अब ओएस मॉड्यूल में चेंज हो गया। आप यहाँ पर आकर के देखिए फोल्डर्स में कोड स्टडी जो है ओएस मॉड्यूल नाम से चेंज हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको फाइल या फोल्डर में उतना लंबा नहीं आना, सी यूजर, सी एम राय, माई प्रोग्राम, ये सब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एक लाइन लिखिए और आप अपने फोल्डर्स का नाम चेंज कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं यहीं पर कोडिंग के थ्रू। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं इस FPTR इक्वल टू ओपन ओएसडॉट एनवायरनमेंट फंक्शन को, आइए यहाँ पर हम हैकर रैंक के पेज पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और इसका जो भी फाइनल आउटपुट है उसे हम जो रिटर्न कर रहे हैं एस को, वो आकर के यहाँ पर स्टोर हो जाएगा जहाँ पर फंक्शन कॉल किया गया है, और इसकी वैल्यू को हम रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ पर रिजल्ट को हम FPTR फाइल के थ्रू राइट कर रहे हैं एज ए स्ट्रिंग, और फिर फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं, और इस तरीके से जो है हमारा आउटपुट हमें रन कराने पे दिख जाता है। तो यहाँ पर ये सब कैसे यूज हुआ है आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आउटपुट पाथ है, ये आउटपुट पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल का नेम है, इसको आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ओएसडॉट एनवायरन आउटपुट पाथ, यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल का ये नेम है, और ओएसडॉट एनवायरन के थ्रू जो है हम उस पाथ पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें फाइल क्रिएट करनी है राइट मोड के थ्रू। तो यहाँ आइए हम आपको करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने क्या किया, हमने पहले तो आप इसे एक बार क्लियर कर लीजिए जो भी पिछला आउटपुट वगैरह था। तो देखिए हमने सारे पिछले आउटपुट वगैरह क्लियर कर लिए हैं, अब एक बार हमें चूंकि OS मॉड्यूल को यूज करना है तो यहाँ पे इम्पोर्ट OS वाली लाइन को एक बार रन करा देना पड़ेगा। हमने इम्पोर्ट OS को हमने क्या किया, रन करा दिया। अब रन कराने के बाद जो है हमें OS.environ इस फंक्शन को रन कराना है, इसे आप रन कराइए। यहाँ पर OS.environ फंक्शन का यूज क्या है, यहाँ पर देखिए OS.environ फंक्शन के थ्रू जो है हम इस माई प्रोग्राम नाम के एनवायरमेंट वेरिएबल का पाथ जो है यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि इस माई प्रोग्राम नाम के एनवायरमेंट वेरिएबल का पाथ ये है, और ये जो हम पाथ यहाँ पे बता रहे हैं अपने प्रोग्राम को, इस पाथ को हमें सेट भी करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो सेट कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों आइए कंट्रोल पैनल पर, आप अपने सिस्टम में यहाँ कंट्रोल पैनल देखिए, कंट्रोल पैनल पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप सिस्टम पे क्लिक कीजिए, और यहाँ एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ एडवांस्ड ऑप्शन पे हम हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे आपको क्लिक करना है, और यही एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे आपको पाथ सेट करना पड़ता था जो पाइथन जब आप लोग डाउनलोड करते थे। अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे पाथ सेट पे क्लिक कर देते थे तो डायरेक्ट सेट कर देता था, और अगर आप ऐसा नहीं किए हैं तो फिर आपको खुद से सेट करना पड़ता था मैनुअली, और आप यहाँ पे आकर के वेरिएबल का नेम देते थे और फिर उसके जो है वैल्यू जो है जो भी उसका एड्रेस था उस एड्रेस को आप देते थे। तो यहाँ पर देखिए हमने माई प्रोग्राम नाम के एनवायरमेंट वेरिएबल को क्रिएट कर रखा है और इसका एड्रेस भी दे रखा है सी यूजर्स उमरा माई प्रोग्राम, यानी माई प्रोग्राम फोल्डर के अंदर एक FPTR नाम से फाइल क्रिएट करेगा और उस फाइल के अंदर जो है सब कुछ है राइट करेगा। तो ये जो फाइल नेम है, इस फाइल नेम को FPTR को हमें जो है देना पड़ेगा, ये FPTR जगह आप कुछ भी दे दीजिए बट आपको एक फाइल नेम देना पड़ेगा, माई प्रोग्राम फोल्डर के अंदर को एक फाइल नेम देना पड़ेगा, आप सिर्फ माई प्रोग्राम तक छोड़ नहीं सकते, आपको उस फाइल का नेम भी देना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर क्रिएटिंग फाइल, तो आपको एक फाइल का नेम देना पड़ेगा ताकि जो है हमारा OS.environ फंक्शन जो है फाइल क्रिएट कर सके राइट मोड के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा पाथ दे दिया, और अगर आपको देना है तो आप कैसे देंगे, आप यहाँ पर जो है न्यू पे क्लिक कीजिए और आप कोई भी वेरिएबल नेम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और उस वेरिएबल की वैल्यू में आपको पाथ देना पड़ता है, तो इस तरीके से आपको पाथ सेट करना पड़ता है। देखिए हमने यहाँ पर पाथ सेट कर दिया, अब छोड़िए इसे ओके पर क्लिक करके हटाइए इसे। अब यहाँ
अब यहाँ पर हमने जो है पाथ सेट कर दिया और प्रोग्राम को हमने बता भी दिया कि हमारा पाथ माई प्रोग्राम जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसका पाथ ये है। अब हम लिखेंगे एफ पी टी आर इक्वल टू ओपन ओएस डॉट इनवायर माई प्रोग्राम। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ओएस डॉट इनवायर के थ्रू जो है इस पाथ पर गए और राइट मोड के थ्रू जो है यहाँ पे हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं और फाइल का नेम एफ पी टी आर है, एफ पी टी आर नेम से हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं। और फिर इसे हम जो है यहाँ पे देखिए रिजल्ट की जो वैल्यू है 30, इस 30 को हम एज ए स्ट्रिंग इसमें राइट कर रहे हैं और फिर फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। तो आइए अब इस कोड को रन कराते हैं इस ब्लॉक को। तो देखिए हमने इसे जो है रन करा दिया। अब आपको चेक करना है कि फाइल जो है वो क्रिएट हुई या नहीं, और क्रिएट हुई तो जो हमने रिजल्ट 30 राइट किया था वो राइट हुआ या नहीं। तो अब आप दोस्तों यहाँ पर आइए, सॉरी तो अब दोस्तों आप यहाँ पर आइए लोकल डिस्क सी में यूजर्स पे क्लिक कीजिए, शिवम राय, और माय प्रोग्राम, माय प्रोग्राम पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए एफ पी टी आर नाम से फाइल जो है क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए हमने ओएस मॉड्यूल नाम से जो है रीनेम किया था कोड स्टडी को, तो ये ओएस मॉड्यूल जो है अभी तक पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसे हमने रिमूव नहीं किया था। जब तक आप रिमूव खुद से नहीं करेंगे वहाँ पे ये फाइल हमेशा के लिए क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ एफ पी टी आर पे आप क्लिक करके एक बार देखिए, यहाँ पर इसे ओपन कीजिए नोट पैड के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर आप जो लिखे थे 30 राइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल वगैरह ओपन करके आप बड़े ही आसानी से जो है अपने प्रोग्राम के थ्रू ही कुछ भी राइट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ पर हम राइट मोड में ही क्यों ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर हैकर रैंक में देखिए राइट मोड में ओपन कर रहा है, तो यहाँ पर राइट मोड में ही क्यों ओपन कर रहा है, बात इसकी आती है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट मोड का क्या होता है कि अभी देखिए हमने 30 राइट किया था। अब दोस्तों हमने एक दूसरी फाइल बनाई अनटाइटल्ड फोर नेम से। यहाँ पर देखिए अनटाइटल्ड फोर नेम से जो हमने फाइल बनाई इसे भी एक बार रन करा देते हैं। पहले तो इसे पूरा क्लियर कर लेते हैं, इसका आउटपुट वगैरह रिस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट आर आउटपुट। अब दोस्तों यहाँ पे चूंकि हमें इम्पोर्ट ओएस किए हैं इसे रन कराते हैं, और फिर जो है पाथ हम सेट करते हैं माई प्रोग्राम का, रन करते हैं, और फिर ये जो रिजल्ट है इस यहाँ पर देखिए हमने वहाँ पर रिजल्ट की वैल्यू हमने 30 दिया था और यहाँ पर हम रिजल्ट की वैल्यू 36 दे रहे हैं। अब इसे रन कराइए और अब देखिए आप फाइल में क्या राइट हुआ है। तो यहाँ पर आप आइए और एफ पी टी आर पे एक बार क्लिक कीजिए, नोट पैड के थ्रू ओपन कीजिए, और यहाँ पर देखिए जो 30 आप राइट किए थे वो अब 30 नहीं है, अब यहाँ पर 36 आ गया है, वो 30 इरेज हो गया। तो दोस्तों इसीलिए जो है हैकर रैंक यूज करता है राइट मोड। क्यों? क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर कोडिंग किया, जो भी इस आपके कोड का आउटपुट आया वो एक बार एफ पी टी आर फाइल में राइट हो जाता है, और जब दोबारा आप दूसरा कोई कोड करते हैं और उसके वैल्यू को आप राइट करते हैं एफ पी टी आर में, तो जो पहले का कोड है उसका आउटपुट हमें वहाँ पर नहीं दिखता है, वो पहले वाला जो भी कोड लिखा गया रहता है इरेज हो जाता है। तो राइट मोड की सबसे बड़ी यही खासियत है कि जो पहले का कुछ भी लिखा रहेगा उसे तुरंत इरेज कर देगा जब कुछ ये नया राइट करेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हम पहले का कुछ नहीं इरेज करना चाहते, पहले जो भी हमने राइट किया था उस आउटपुट को भी देखना चाहते हैं और नए वाले भी आउटपुट को देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर राइट मोड के जगह अपेंड मोड में हमें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अपेंड मोड के लिए सीधा आप ये लिखिए और अब जो है इस कोड को आप एक बार रन कराइए। चूंकि आप 36 पहले लिख चुके थे, एक बार आप 30 यहाँ पर कर लीजिए, या 30 कर लीजिए या फिर 40 कर लीजिए, और यहाँ पर आप इसे रन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप एफ पी टी आर फाइल को ओपन कीजिए और अब आप देख रहे होंगे कि 36 और 40 दोनों आउटपुट राइट है। तो दोस्तों इसीलिए जो है हैकर रैंक चूंकि प्रीवियस कोड का आउटपुट हमें नहीं दिखाता है किसी दूसरे कोड में, इसलिए जो है वो राइट मोड यूज करता है। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पर अगर चाहे तो इस यस को जो है डायरेक्ट रिजल्ट में स्टोर करने के बाद प्रिंट कर सकता है, बट दोस्तों क्या है कि ओएस मॉड्यूल के बारे में आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज मिलेगा इसके थ्रू, तो
तो ये सब चूंकि एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको कुछ एडवांस तो सिखाएगा ही, तो इसलिए जो है ऐसे मेथड्स यूज किए गए हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ एक और रीज़न है यहाँ पे यूज करने का, क्योंकि आप यहाँ पर जैसे जो कुछ भी आप प्रिंट कराएंगे दोस्तों ने, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर यस है, अब एक बार आप इसे जो है यस को प्रिंट करा दीजिए यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जो ये यस है, यस को हम एक बार प्रिंट भी करा रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक बार प्रिंट करा रहे हैं और फिर एक बार यहाँ PTR फाइल के थ्रू भी राइट कर रहे हैं। अब दोस्तों इसे सब रन कराइए और देखिए क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कि आपने डीबग आउटपुट एक देखा 31, और एक एक्सपेक्टेड आउटपुट देखा, और एक आपका आउटपुट है एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कि चाहिए था, और ये जो आपका आउटपुट आया है। और यहाँ पर ये डीबग आउटपुट क्या है, तो दोस्तों डीबग आउटपुट ये है जो आपने यहाँ पे प्रिंट कराया है इसको, मतलब कि अगर आप कुछ भी बीच में प्रिंट कराते हैं ना, मान लीजिए जैसे दोस्तों आप सिर्फ एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं और यस को एज स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए फिर भी जो है हमारा कोड जो है सक्सेसफुली जो है रन कर गया, कंग्रेचुलेशन बोल रहा है, जबकि यहाँ पे हम डीबग आउटपुट में यस प्रिंट कराए हैं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जो कुछ भी प्रिंट करा के देखना चाहें अपने कोड में कि कौन सी लाइन किस चीज़ के लिए बनी है, कौन सी लाइन क्या वर्क कर रही है, तो वो सब कुछ हम जो है प्रिंट करा सकते हैं अपने कोड में, और वो सब डीबग आउटपुट में दिखाई देगा। जो हमारा रियल आउटपुट है वो सिर्फ वही दिखेगा जो हम फाइल में राइट कर रहे हैं। तो इसका एक यह भी बहुत बड़ी बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हैकर रैंक पर कोडिंग करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह हम लाते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।